हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे आज के एक नए ब्लॉग में। तो हमने कुछ मंगवाया है, ये हमारा आ चुका है पार्सल और मंगवाया है। ऑर्डर तो बहुत पहले किया था बट दुर्गा पूजा के कारण ये हमारा लेट हो चुका है। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में तक, आई होप आप सभी को पसंद आएगा। तो चलिए करते हैं इसका अनबॉक्सिंग। वेट, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएँ और थोड़ा सा लाइक भी कर दीजिए और अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं, करते हैं इसका अनबॉक्सिंग। चलते नहीं, यहीं पर एक अनबॉक्सिंग करेंगे। तो चलिए करते हैं इसका अनबॉक्सिंग। तो चलिए हम लोग अनबॉक्सिंग करते हैं। ये हमारा रहा पार्सल, कुछ ऐसा पैकेजिंग है। चलिए, अरे यार, हाँ हो गया। चलिए हो गया, इसको अच्छी तरह से हम लोग निकालते हैं इसके रैप को। इसको हम लोग साइड से निकाल लेंगे, बेचारा को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो हम लोग साइड से ही निकाल देते हैं। ये रहा कुछ हमारा, ये कुछ है ओप्पो वीवो एंड रियल मी। ये किस किस फ़ोन में सपोर्टिंग है ये सारा डिटेल्स दिया गया है, इसको हम लोग साइड में रखते हैं। तो ये देखिए हमारा कुछ पैकेजिंग ऐसा किया गया है। और ये हमारा माइक है K8 का, वायरलेस माइक्रोफोन है। और ये देखिए इसमें कुछ क्या क्या फंक्शन दिया गया है, यहाँ बताया क्या क्या फंक्शन दिया गया है यहाँ पर बताया गया है। तो ये देखिए हमारा प्लग एंड प्ले है। और ये 20 मीटर्स ऑफ एक्सेसिबल रिसेप्शन, मतलब 20 मीटर के अंदर ही ये हमारा पकड़ेगा, कैच करेगा हमारी आवाज़ को। और तो चलिए ये हमारा कुछ पैकेजिंग है, चलिए इसको हम लोग निकालते हैं। उससे पहले हमारा चाकू का इस्तेमाल करके इसको हम लोग अच्छी तरह से इसके रैप को कट करेंगे। उसके बाद फिर देखते हैं इसके अंदर क्या मिला हम लोग को, जो हमने देखा ऑनलाइन वही मिला या फिर कुछ और है। इसको हम लोग साइड में रख देते हैं। हमारा कुछ है सब बताया गया है, चलिए इसको अच्छी तरह से हम लोग पुश करके ये देखिए हमें सिंगल माइक मिला है। ये हमारा सिंगल एक माइक है इसमें। और ये हमारा आईफोन का देखिए OTG इसमें दिया गया पहले से ही। फिर उसके बाद ये हमारा रिसीवर है, ये हमारा माइक है, ठीक है आप देख सकते हैं हमारा माइक है। और ये देखिए हमें सी टाइप का रिसीवर मिला है। और ये हमारा आईफोन का है OTG, जो आईफोन से कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग डायरेक्ट इसमें, ठीक है। और देखते हैं इस डब्बे में क्या क्या है। तो पैकेजिंग तो बहुत अच्छी तरह से किया गया है, ये देखिए साइड में कुछ दिया गया है, पैकेजिंग तो ठीक है। ये हमारा मैनुअल बुक है, ये देखिए वायरलेस माइक्रोफोन यूज़र मैनुअल है, ठीक है। तो इसको हम लोग साइड में रखते हैं और देखते हैं ये क्या है। ये देखिए है, पहले इसको खोलते हैं। अच्छा, ये चार्जिंग के लिए दिया गया है, USB 2C टाइप चार्जिंग दिया गया है जो हमारा। ये देखिए माइक को ब्लूथ यहाँ चार्ज कर सकते हैं, सी टाइप दिया है ना। ये देखिए हम लोग माइक को यहाँ से चार्ज कर सकते हैं। इसमें एक फैसिलिटी यही दिया गया है कि सिर्फ आपको माइक को चार्ज करना है, रिसीवर को चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से रिसीवर को जो ये रिसीव करता है इसी में इनका चार्जिंग पॉइंट दिया गया है, जो कि फ़ोन में इंसर्ट करने के बाद ऑटोमेटिक ये रिसीव भी करेगा और चार्जिंग भी करेगा। तो चलिए हमारे अनबॉक्सिंग तो हो गई, आपको इसका हम लोग आवाज़ का टेस्ट कराते हैं, जो साउंड इसमें कैसा आ रहा है। तो ये देखिए हम अभी नॉर्मल बोल रहे हैं, अपने फ़ोन के माइक से बोल रहे हैं, जो कि आप लोगों को आ रही होगी। अब इसके बाद हम लोग इसका जो हम लोग मंगवाए हैं इसको हम लोग एक बार लगा कर देखेंगे इस माइक से कैसा आवाज़ निकलता है और कितना क्लियर आवाज़ है। अब हम लोग माइक को टेस्ट करेंगे कि उसका आवाज़ कैसा है। ये हमारा नॉर्मल फ़ोन से आवाज़ आ रही है, देखिए इससे हम जो भी बोलेंगे अब आपको इसी माइक से आवाज़ जा रही होगी, ठीक है। तो चलिए हमने रिसीवर अपना ऑन कर दिया, अब ये देखिए आपको आवाज़ क्लियर सुनाई दे रहा होगा, जो तो आप इसे थोड़ा सा जज कर पाएंगे कि फ़ोन से बेटर था या फिर हमारे इस माइक से बेटर था। जो ये हमारा साउंड है छोटा सा है लेकिन बड़ा क्यूट सा है और अच्छा लग रहा है देखने में, और आवाज़ भी इससे काफ़ी अच्छी आ रही होगी। तो आप लोग सुन करके थोड़ा सा जज करके बता सकते हैं
कौन सा बेटर है नॉर्मल, ऐसे माइक तो सही ही होता है क्योंकि जैसे फोन वगैरह प्लॉगिंग वगैरह हम लोग थोड़ा दूर से करते हैं फोन लेकर के, तो इस वजह से थोड़ा सा आवाज हम लोग का पहुंच नहीं पाता फोन तक, तो इस वजह से ये हमारे कॉलर में हमेशा लगा रहेगा, तो जिससे हमारा आवाज हमेशा माइक पास रहेगा, तो थोड़ा दूरी डिस्टेंस भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आवाज में। तो इसी तरह हमारे ब्लॉग को देखते रहें और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।